हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। यार फाइनली होंडा अपने CBR 150R को लेके आ गया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, और ये लॉन्च करने वाला है ये 2023 में। जैसे कि आप लोग को पता है यार, होंडा ने 2022 में CBR के ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया था, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि यमहा को टक्कर देने आ रही है CBR 150R। और तो और गाइस, हम लोग को पता है बहुत जनों के दिल में बैठी है ये CBR, क्योंकि यार सबको पसंद थी ये CBR। जब से डिसकंटिन्यू हो गई है उसके बाद से यार होंडा के तरफ से कोई भी स्पोर्ट्स बाइक अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो यार सीधी सी सीधी बात है कि आप लोग को CBR 150R ये 2023 में आप लोग को देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस CBR 150R में आप लोग को क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, ये कब तक लॉन्च होगा, और इस बाइक में आप लोगों को और क्या क्या मोड्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पर बने रहें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बोल देना चाहता हूं यार कि होंडा के तरफ से ये CBR 150R लॉन्च होने वाला है, और जैसे ही ये लॉन्च होगा ये कम्पीट करेगा R15 से गाइस, क्योंकि यार R15 का अभी कोई भी टक्कर नहीं है। और तो और ये जब भी लॉन्च होगी, इसके जो पावर आउटपुट है, इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है, और तो और डिजाइन के मामले भी ये बहुत टक्कर देने वाला है और यमहा के R15 के मार्केट को गिराने वाला है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके इंजन के बारे में, जो कि यार एक 149.1 cc का एक लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग का पावर जनरेट करेगा 7.1 PS और 14.4 Nm। और ये आप लोगों को 6 PD गियरबॉक्स के साथ आप लोग को देखने को मिलेगी। और तो और इस बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल ABS के साथ साथ डुअल डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा। और तो और अब बात करूं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की, जो कि आप लोग को फुली डिजिटल देखने को मिलेगा। और तो और मैं सुनने में आया था कि इसमें आप लोग को राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेगी। यार अभी का जो CBR 150R जो अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो यार ये तबाही मचा देगा, क्योंकि यार R15 के वर्जन 4 R15 के मॉडल्स पे बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसकी मैं सस्पेंशन की बात करूं, फ्रंट में आप लोगों को अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं, और तो और रियर में आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस अब मैं होंडा CBR 150R के फ्रंट टायर की मैं बात करूं, 100x80 सेशन के फ्रंट टायर आप लोग को देखने को मिलते हैं, और रियर साइड आप लोग को 130x70 देखने को मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा बहुत ब्रॉड तो नहीं है गाइस, बस इतनी तो आप लोग को देखने को मिलेगी। अब बात करूं गाइस इसके वेट की, बाइक आप लोग का 139 kg का वेट आप लोग को देखने को मिलेगा। और तो और इसकी फ्यूल टैंक की मैं बात करूं, जो कि यार 12 लीटर का फ्यूल टैंक आप लोग को ऑफर करती है कंपनी इस बाइक में। अब बात करूं माइलेज की, यार माइलेज आप लोग को 45-50 kmpl का माइलेज आप लोग को देखने को मिलेगा सिटी राइड्स में। और तो और गाइस इस बाइक की मैं क्या ही बोलूं, मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूं CBR का, पहले से ही था। तो यार इस बाइक को कौन कौन खरीदना चाहते हो ये मेरे को जरूर कमेंट में बताना, और कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहे हो ये भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अब फाइनली मैं बात करूं गाइस इस बाइक की लॉन्च डेट की, यार फाइनली यार ये लॉन्च होने वाला है आप लोग को 2023 के एंड को, क्योंकि यार CBR ने पहले ही 2023 में इसका जो रजिस्टर कर लिया है ट्रेडमार्क, तो यार 2023 के एंड में आप लोग को ये जरूर देखने को मिलेगी। और तो और इसकी प्राइस की भी बात करूं, ये आप लोग को 1.65 से लेके 1.70 एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। तो गाइस आप लोग को ये बाइक कैसी लगी मेरे को जरूर बताना, अगर आप लोग एक CBR के लवर्स हो तो मेरे को जरूर बताना ये चीज कमेंट में। और तो और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ये इस बाइक की कुछ भी अपडेट आगे निकल के आती है तो मेरे चैनल के थ्रू आप लोग को जरूर इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज।